आगे बढ़ते हैं और खबर है टाटा मोटर्स के मेगा प्लान से जुड़ी हुई। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर दरअसल फंड जुटाना चाहती है टाटा मोटर्स की ईवी यूनिट। पूरी खबर अच्छे से समझते हैं देवांशी से, बताइए। टाटा मोटर्स के स्टॉक में पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से काफी अच्छा बज बनता हुआ दिख रहा है। आज खबर आती हुई दिख रही है कि कंपनी अपने ईवी पोर्टफोलियो के लिए पूंजी जुटाना चाहती है और इसके लिए योजना बना रही है। मैं आपको बता दूं कि $7 बिलियन के वैल्यूएशन पर कंपनी $1 बिलियन यानी कि $100 करोड़ जुटाने की योजना कर रही है। इसके चलते कंपनी काफी सारे पी फर्म्स के साथ भी बातचीत करती हुई दिख रही है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में कंपनी अपने जो ईवी पोर्टफोलियो है उसको अलग से एक स्टेप डाउन सब्सिडरी में ट्रांसफर करने की योजना कर रही है। कुछ महीनों पहले हमने देखा था कि कंपनी ने अपने जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है उसको अलग कर दिया था, और अब कंपनी अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टफोलियो को अलग करके पूरे जितने भी असेट्स हैं वो अलग से स्टेप डाउन सब्सिडरी में ट्रांसफर करती हुई दिखेगी, और उस सब्सिडरी से कंपनी अपनी ये पूंजी जुटाने की योजना कर रही है। साथ ही भारत में अगर आप देखें तो टाटा मोटर्स फिलहाल एक सबसे बड़ी कंपनी है जो कि ईवी में प्रेजेंस रखती है। नेक्सॉन टाइगर ईवी, ये दोनों गाड़ियां फिलहाल मौजूद हैं। आने वाले समय में बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्चेस कंपनी करने की योजना कर रही है, और इसके चलते कंपनी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर की भी खोज में है। लेकिन फिलहाल अपने ईवी पोर्टफोलियो के लिए कंपनी $100 करोड़ जुटाने की योजना बना रही है। मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में ईवी के लिए बहुत सारे ट्रिगर्स बनते हुए दिख रहे हैं, काफी पॉजिटिव ट्रिगर्स बनते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार ने ड्राफ्ट ई व्हीकल पॉलिसी ऑलरेडी जारी कर दी है, इस पर कामकाज जारी है। गुजरात की बात करें तो 1 जुलाई से ईवी पॉलिसी वहां पे लागू हो चुकी है, तो वहां पे बिक्री जल्दी होती हुई दिखेगी। और इसके साथ ही 2030 तक अमिताभ कांत जी का ये कहना था कि ज्यादा जो गाड़ियां हैं वो इलेक्ट्रिक बिकती हुई दिखेंगी। तो आने वाले समय में ईवी पोर्टफोलियो को काफी अच्छा बूस्ट मिलता हुआ दिखेगा। इसके चलते भी टाटा मोटर्स फोकस में था, और कुछ दिन पहले टाटा मोटर्स का ये भी कहना था कि कंपनी अब सेमीकंडक्टर बनाने में उतरती हुई दिखेगी, और इसके चलते भी टाटा मोटर्स पर भरपूर एक्शन पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से बनता हुआ दिखा था।